ये हलवा जो आप इतना स्वाद लेकर खा रही थी ना, इसमें हमने वो हार्ट अटैक की दवाई मिलाई है जिसके दम पे आपने माची को अपना मोहरा बनाया था। कि सिर्फ 15 मिनट है आपके पास, मरने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो क्या? तो वेदांत जी को अपना सारा सच बता दीजिए। वेदांत, सुहागन सीरियल के एपिसोड में फिलहाल हमें काफी ड्रामेटिक मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक हमें लगा था कि कोयल ने हमारी स्वरा को मारने की कोशिश की थी। जी हाँ, यहाँ पर कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से स्वरा के सामने उस औरत की सच्चाई आ गई है जिसने स्वरा को मारने की कोशिश की थी। जी हाँ, आपको बता दूं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि प्रभा है। और जैसे ही आपको शौक लगा है, ठीक उसी तरह यहाँ पर हमारी स्वरा को भी शौक लगता है ये जानकर। ये हलवा जो आप इतना स्वाद लेकर खा रही थी ना, इसमें हमने वो हार्ट अटैक की दवाई मिलाई है जिसके दम पे आपने माची को अपना मोहरा बनाया था। कि सिर्फ 15 मिनट है आपके पास, मरने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो क्या? तो वेदांत जी को अपना सारा सच बता दीजिए। वेदांत, कि किसी और ने उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिस औरत ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी वो उसकी खुद की सासू माँ, उसकी प्रभा है। और ये जानने के बाद हमारी स्वरा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर प्रभा ने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। और यही सच्चाई जानने के लिए इस बार हमारी स्वरा जो है वो प्रभा के कमरे में जाती है और उसके कमरे में वही नीली साड़ी ढूंढती है जो उसने फुटेजेस में देखे थे। क्योंकि वो औरत जो मारने की कोशिश करती है स्वरा को, उसने नीली कलर की साड़ी पहनी थी। और हमारी स्वरा जो है कमरे में नीली साड़ी ढूंढती है और आपको बता दो कि वो नीली साड़ी जो है वो प्रभा के कबर्ड में मिल भी जाती है। और ये देखकर हमारी स्वरा जो है काफी डर जाती, घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रभा ने उसे मारने की कोशिश क्यों की। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी स्वरा जो है वो प्रभा से लाख सवाल जवाब करते हुए दिखाई देगी। वो उससे कहेगी कि मैंने आपके लिए सब कुछ किया, हर वो मेहनत की, हर वो प्रॉमिस किया जो आपको मैं वापस दिलाना चाहती थी। आपके लिए मैं हर हद को पार करने के लिए तैयार थी, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिलहाल के लिए प्रभा जो है वो सच्चाई नहीं बताती हमारी स्वरा को। इस वजह से हमारी स्वरा ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई हमारी स्वरा ने अपने आप को पूरे इलेक्ट्रिक वायर से लपेट लिया है। और वो प्रभा को डराती और कहती है कि अगर आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं ये स्विच ऑन कर दूंगी, जिसकी वजह से इस बार मैं सच में मर जाऊंगी। और इसी डर में आकर इस बार प्रभा जो है वो स्वरा को सारी बातें बता देती है। वो बताती है कि किस तरह से कोयल ने उसे ब्लैकमेल किया था और उसने कहा था कि अगर तुमने स्वरा को ये जहर नहीं दिया तो मैं वेदांत को हार्ट अटैक की गोली देकर मार दूंगी। और इस डर में आकर इस बार प्रभा जो है ये गलत काम कर जाती है और हमारी प्रभा सारी बातें बताती है स्वरा को कि किस तरह से उसने उसे जहर दिया, उसके पायल में जहर मिलाया, जिसकी वजह से स्वरा की जान खतरे में आ गई थी। लेकिन इसी के साथ हमारी प्रभा जो है वो स्वरा को ये भी बताती है कि पंडित जी को उसने ही भेजा था वेदांत के पास ये सच्चाई बताने के लिए। और इसी के साथ एपिसोड में हम देख रहे हैं कि प्रभा जो है बार बार स्वरा से माफी भी मांगते हुए नजर आ रही है, लेकिन हमारी स्वरा को ये सच्चाई पता चल गई। इस वजह से इस बार स्वरा जो है वो कोयल के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचेगी, लेकिन वो साजिश क्या होगी ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा।